हाय एवरीवन, मैं हूं अंशु और मेरे यूट्यूब चैनल फूडी फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी एकदम फूली फूली प्याज की खस्ता कचौरी बनाने की रेसिपी। और ये कचौरी हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, मैदे का यूज़ हम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। सच में ये कचौरी बहुत टेस्टी बनती है, अगर आप इनको एक बार खा लेंगे तो फिर बाकी सारी कचौरियाँ खाना भूल जाएंगे। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कचौरी के लिए डो तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है गेहूं का आटा। तो ये वही आटा है जिससे हम रेगुलर रोटी या फिर पराठा बनाते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आटा ले लें। अभी हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम हाथ से इस तरह रब करके डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और फिर 2 चम्मच हम इसमें डाल देंगे घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो घी या फिर रिफाइंड ऑयल इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि इसी से हमारी कचौरियाँ जो हैं वो खस्ता बनेंगी। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो कचौरियों को जो हम आटा लगाते हैं वो हमें थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कचौरियों का आटा लगाने के बाद अभी हम इसको साइड में रख देते हैं ढककर, और फिर हम कचौरियों के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर एक फ्राई पैन या फिर कोई कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ इसमें ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डाल करके इनको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज यूज़ किए हैं। तो प्याज को अभी हम बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो प्याज जब थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। डाल करके इनको मिक्स कर देंगे। अमचूर पाउडर डालने से जो इसमें खट्टापन आता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अमचूर पाउडर इसमें ज़रूर डालें। आप इसकी जगह इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी अभी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो इनको मिक्स करके मसालों को थोड़ा सा कुक होने देंगे और इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बेसन डाल करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरह चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। तो जितनी हम स्टफिंग में प्याज यूज़ करेंगे उतने ही चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। तो मैंने यहाँ इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ किए थे, तो इसलिए मैं इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। मतलब 1 प्याज तो 1 चम्मच बेसन, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें बेसन डालें। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं कुक करना है, क्योंकि प्याज फिर इसमें मॉइस्चर रिलीज़ करने लग जाता है। तो 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद ये लीजिए, हमारी प्याज की बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग रेडी है। तो स्टफिंग हमारी रेडी है, अभी हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो तब तक हम आटे को थोड़ा मसल लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोई या फिर बॉल्स, जो भी आप कहें, बना करके तैयार कर लेते हैं। तो जब भी कोई सडनली गेस्ट वगैरह आ जाए और घर में और कुछ ना हो तो आप उन्हें कचौरियाँ बना के दें, सच में यह उन्हें बहुत पसंद आएंगी। तो फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है, तो अभी हम एक लोई लेंगे और उसको हाथ से इस तरह स्प्रेड करते हुए कटोरी की शेप देंगे। इसके सेंटर में अभी हम स्टफिंग रखेंगे। तो दोनों अंगूठों से स्टफिंग को हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे हल्के हाथ से, और साइडों से जो आटा है उसको हम ऊपर की तरफ लाएंगे इसे धीरे धीरे, और ला करके इसको हम बंद कर देंगे। और इस तरह करते हुए जो इसमें एक्स्ट्रा आटा है ऊपर, उसको हम हटा देंगे। आटे को हटाने के बाद में अभी हम हल्का सा इसको प्रेस करेंगे इस तरह, थोड़ा सा राउंड शेप में, और फिर हम इस पर थोड़ा सूखा आटा डाल करके इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करना है। तो ये हमारी कचौरी रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए अभी एक और कचौरी बना लेते हैं। तो इसको हम दूसरे तरीके से रोल करेंगे। तो इसके लिए अभी हम आटे की एक लोई लेंगे, उसको थोड़ा सा बेल लेंगे।
तो इसको बेलने के बाद में सेंटर में अभी हम स्टफिंग रखेंगे और साइडों से इसके कॉर्नर्स को हम इस तरह उठा करके इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा है उसको इस तरह से हम हटा देंगे। थोड़ा सा हाथों से हम इसको प्रेस कर लेंगे और फिर हम इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो दोनों में से आपको जो भी कंफर्टेबल लगे तो उस तरह से पहले सभी कचौरियाँ बेल करके तैयार कर लें। उसके बाद अभी हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे कचौरी। तो कचौरियों को सेकते वक्त गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अगर आप इनको हाई फ्लेम पर सेक लोगे तो कचौरियाँ ऊपर से तो सिक जाएंगी पर अंदर से वह कच्ची रह जाएंगी और ना ही वह बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी। तो इसलिए कचौरियों को मीडियम या फिर लो फ्लेम पर अच्छे से सेकना है। तो मैं यहाँ इसमें एक एक कचौरी करके सेक रही हूँ। आप एक से ज़्यादा कचौरियों को भी एक साथ सेक सकते हैं। तो इसी तरह हम अपनी सभी कचौरियाँ सेक लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी कचौरियों को सेक लिया है। सभी कचौरियाँ एकदम फूली फूली और खस्ता बनी हैं बिना मैदा या सूजी वगैरह यूज़ किए और चटनी और दही के साथ में इनको सर्व किया है। तो आप इनको ब्रेकफास्ट में बनाएं या लंच में, ये सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आप भी ये कचौरी एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।